आए दिन शहर में आरोपी हाथ में हथियार लेकर आतंक मचा रहे हैं। हिवरी नगर परिसर में हथियार लेकर उत्पात मचा रहे अपराधी को क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 ने गिरफ्तार किया है। आरोपी LIG क्वार्टर हिवरी नगर निवासी ऋषभ उर्फ भोकनिया महेश शाह बताया जा रहा है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर पुलिस परिसर में गश्त कर रही थी। सभी अपराधियों की जांच की जा रही है। इसी बीच जानकारी मिली कि हिवरी नगर परिसर में एक युवक हाथ में तलवार लेकर उत्पात मचा रहा है। खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच का दस्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने ऋषभ से तलवार छीन कर उसे हिरासत में ले लिया। नंदनवन थाने में आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। रिकॉर्ड खंगालने पर ऋषभ के खिलाफ छेड़खानी, मारपीट, डकैती की तैयारी और शराब बेचने के 7 मामले दर्ज है। यामध्ये आम्ही नवीन वर्ष निमित्त आणि सक्तीची पेट्रोलिंग करीत असताना एरियामध्ये हिरवी नगर एरिया आहे त्या एरियात अशी माहिती मिळाली की एक गुंड आहे तो प्राणघातक शस्त्रासह वावरतोय सार्वजनिक ठिकाणी। तर या माहितीची आम्ही खात्री केली आणि आम्ही आमच्या टीमसह त्या ठिकाणी पोहोचलो आणि त्या ठिकाणी सापळा रचून त्याला सीतमोठ्या सीताबीने पकडलं। त्यांनी पळण्याचा प्रयत्न केला परंतु आम्ही त्याला ताब्यात घेतलं। ताब्यात घेऊन युनिट ऑफिसला आणून त्याची पूर्ण चौकशी केली। त्यामध्ये त्याच्यावर 7 विविध प्रकारचे गुन्हे नागपूर शहरामध्ये दाखल आहेत। तो रेकॉर्डवरचा आरोपी आहे। त्याच्या हातामध्ये त्याच्याजवळ एवढं प्राणघातक शस्त्र तलवार होती आणि त्या तलवारीमुळे तो कुणाचा त्यावेळेला काही पण हल्ला करू शकला असता, त्यामुळे ती एक घटना टळली। त्याला आम्ही ताब्यात घेतलं, त्याच्यावर अर्नाटप्रमाणे कारवाई केली आणि यामध्ये याला पुढील कारवाईस्तव आम्ही पोलीस नंदन यांच्याकडे हँडओव्हर करतोय। इन्स्पेक्टर अशोक मेश्राम, API ओम प्रकाश सोनटक्के, ASI रमेश उमाठे, हेड कॉन्स्टेबल राजकुमार शर्मा, बबन राउत, प्रशांत कुड़ापे, दीपक कुमार चोले, आशीष धीरसागर, सतीश ठाकरे, अविनाश ठाकुर और नरेश बांते ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।